तुम्हारा? ऐ गल प्यार नाल पूछ लो, एडे गुस्से नाल की लोड़? अख चक पा के स्माइल दे के कहो क्या नाम है तुम्हारा? पीछे खड़े से सैनिटाइज कर लो। वो अलग होता है बेवकूफ। चागी बनानी है दी बना लो पानी। ये मजदूर का हाथ है काजिया बल्कि ये मजदूर का हाथ है आशिया। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 17। 17 बच्चे? 7 कुड़ियां 10 मुंडे। ओए ओए ओए, एड़ा डर गए हो, मेरी बुड्ढी ने जन्मे ने। शीशे ने जी देनी, शर्म नहीं आती? जरा से शीशा देखते तुम्हें खुद से घिन नहीं आती कि कैसे इंसान हो तुम? मैं यहाँ हुसन देख लैशन को डर देने में थो ए आशिक लोग। सजी अख मीटा ते होन कई फैर, खबी अख मीटा ते मारा सारा शहर। कलेशन को कलेशन को। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जहांजेब और आप देख रहे हैं हमारा फेमस शो मीठे पकौड़े। ख़वातीनो हज़रात, ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा होना ज़िंदगी का अजाब बन चुका है। क्या बताऊँ, मुख्तलिफ हुलियों में भिखारी यूं फैल जाते हैं जैसे बीमारी फैल रही हो, जैसे ताफून फैल गया। मुख्तलिफ हुलिये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि कुछ लोगों के हाथों में मुकद्दस किताब होती है, कुछ लोग हाथों में फूल लिए होते हैं, कुछ चने बेच रहे होते हैं, कुछ खिलौने बेच रहे होते हैं, कुछ वैसे मांग रहे होते हैं, और कुछ तो इतने बदतमीज़ लोग होते हैं, हाथ में बोतल, दूसरे हाथ में वाइपर, ज़बरदस्ती आपकी विंडस्क्रीन पर पानी फेंक कर गुंडागर्दी से आपसे पैसे मांगते हैं। ऐसा ही एक बदमाश गुंडागर्द भिखारी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। चलिए देखते हैं उनकी क्या बिपता है। क्या हाल है? लोगों की विंड स्क्रीनों पर स्नाइपर की तरह पड़ जाते हो, शर्म नहीं आती है? स्नाइपर कह रहे हो तुसी? मैं कि सदर कैनेडी दी विंड स्क्रीन ते भी वेपर मारे हैं जनाब। नॉनसेंस, क्या नाम है तुम्हारा? ऐ गल प्यार नाल पूछ लो, एडे गुस्से नाल की लोड़ है? अख चक पा के स्माइल दे के कहो क्या नाम है तुम्हारा, किस नाम से पुकारूं? तुरुरुरुरु। रहने दो, नहीं पूछती मैं तुम्हारा नाम। चलो नाम पूछो, ऐसे बड़ा तुमने कोई शनाख्ती कार्ड बनवाया। बड़ा तुमने कोई तमगा लिया तुम्हारा नाम पूछूं? तमगा लिया है जनाब। किस चीज में? एक साज 300 गड्डियां ते वेपर मारे ना। साज जबरदस्ती करके। चलो हाथ के करो। पीछे छोड़े हाथ धो लो, कोई ऐसी गल नहीं की है। पागल, ये हैंड वॉश नहीं है। लो ए चेहरा देख रहे हो, फ्रेश लग रहा है। तुहाडे शो च आण वास्ते सवेरे इहदे नाल ही हाथ मूंह धोता है। बेवकूफ आदमी, इससे बर्तन और गाड़ियां धोते हैं। गाड़ी की जो फ्रंट साइड होती है उसे क्या कहते हैं? गाड़ी का फेस। हाँ। जे गड्डी का फेस तो हो सकता है तो छपाकी निकली। धोते रहो इसी से मुंह अपना, मुझे क्या फर्क पड़ता है। चलो हाथ आगे करो। पीछे करो से सैनिटाइज कर लो। वो अलग होता है बेवकूफ। चागी बनानी है दी बना लो पांच में। चलो रहन देने। वैसे तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने हट्टे कट्टे जवान मोटे हो फिर भी भीख मांगते हो। अच्छा मैं हिसाब लाया, वैसे ताड़े वर्गे लोग इंसान नु जीण नहीं देंदे। क्या मतलब? जे बंदा नहा के निकले तो उन्हें कहंदे ने खैर है अज नहाण डे हैं, जे महीना नहावे ना तो उन्हें कहंदे नहाना ही भुले हैं की गल है। जे बंदा काम ते नहीं जा रहा तो उन्हें कहंदे काम ते भी जाया कर, वेला बैठा रहना। तो जे वो बेचारा काम ते चला जाए तो उन्हें कहंदे काम ते जाई जाना, तेन मरना भुलिया है। जदों मैं एक्सरे विखा के मंगदा हुंदा सां उदो तुहाडे वर्गे लोग कहंदे सी हट्टा कट्टा को काम कर। अज अगर मैं काम शुरू किया, मेहनत मजदूरी, ये मजदूर का हाथ है कातिया बल्कि ये मजदूर का हाथ है आशिया। नहीं नहीं कातिया, तो जे मेहनत मजदूरी की है तो हूँ कहते ने कोई ढंग का काम कर। की ढंग का काम करा मैं जनाब? ये जो काम तुम कर रहे हो ना। हाँ जी। ये भी कोई काम नहीं है, ये भी भीख मांग नहीं है। किन्ने क्या भीख? मैं एक मिनट पहले क्या कर रहे हो? खुरक कर रहा हूँ। गंदा। जे भीख मांगना तो तुहानू ते शुक्र करना चाहिए, तुहाडे शो च एक तरक्की पसंद मांगत आया है। तरक्की पसंद मांगत नहीं, तरक्का हुआ मांगत। अच्छा वैसे असी मंगीए सड़कां ते तुहानू दुख हुंदा है। हाँ। मिनिस्टर मंगण जाके IMF कोलों, सऊदीया कोलों, अमरीका कोलों, ओ ठीक है। बेवकूफ आदमी, वो पूरी कौम के लिए मांगते हैं, तुम्हारी तरह अपनी जेब भरने के लिए नहीं मांगते। ते जेड़ी कौम मैं घर पा ली उन्होंने की करा? क्या मतलब? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 17। 17 बच्चे? 7 कुड़ियां 10 मुंडे। ओए ओए ओए, एड़ा डर गए हो, मेरी बुड्ढी ने जम्मे ने। इतने बच्चे? 2 शादियां। भीख मांग के बच्चों का पेट पालते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं। और एक बीवी पे तुमने इतना बोझ डाला कि 17 बच्चे? दो बीवी। क्या मतलब? एक गजुमत एक शालामार बाग। तुम जैसे भिखारी को कौन दे देता अपनी बेटी? हले ते तीजी भी पीछे पीछे फिरन रही है। क्या? वो भी टीके लांदी है, मैं ता ना करती हूं।
तुम नशा करते हो? नहीं नहीं, आज तो मैं फेशियल कराया थोड़ी वजह तो। बदबू आ रही है नशे की। हो सकता है तुसी मेरा ख्याल आप ही को गंदियां जराबां पा बैठे हो। मैंने जुराबे नहीं पहनी। बस फिर चैना दे बूट ने जराबा ना पाओ तो स्मेल मार दे। बस बंद करो तुम। ये बताओ कैसे लड़कियों को चक्कर दे के उनसे शादी करते हो? चक्कर कितने देने हैं जी, उत्थे वेपर मारदे होए जो सफाई करी दी अक्सर लड़कियां दा दिल लग जांदा किड्डा मेहनती आदमी। क्या मतलब पढ़ी लिखी लड़की से शादी हुई है तुम्हारी? पढ़िया लिखिया बीवियां मेरिया दो में। अच्छा, पहली ने बीए कीता है। हाँ। दूसरी ने एमए कीता है। अच्छा, हुण तीसरी एमफिल वाली लभ रहे हैं। क्या तुसी कीता है या कोई नजर च होवे ते दस देना। आए हाय हाय, गुस्सा ते पहली बीवी है। शट योर माउथ। ठीक है, जितनी मेहनत तुम भीख मांगने के लिए करते हो, हाँ जी, उतनी मेहनत किसी बेहतर काम की तरफ लगाओ। बच्चों को क्या बनाओगे, भिखारी? नहीं, सीएसएस ऑफिसरान। सीएसएस ऑफिसर कैसे बनाओगे बताओ? दानिश स्कूल जी पढ़ना सी, मियां होना दी हुकूमत ही चली गई। अब अगले 10 साल इंतजार करो, उन्नी देर बच्चे भी मैच्योर हो जाएंगे ना। कहंदे छोटे बच्चे नु स्कूल नहीं भेजीदा। अच्छा, तो अब क्या करोगे? उन्नी देर मैनेज करांगे। अच्छा, बच्चियां को पीक मंगवावांगे। तो इस हुकूमत में क्या? नहीं नहीं, बच्चियां नु समझावांगे पुत्र पीक नहीं मंगने, जरा स्क्रीन साफ करा लो। तो इस हुकूमत में हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे? असि इस हुकूमत दी भी स्ट्रेटजी प्लान करके रखी है। क्या मतलब? बच्चे मेरे रोटी खांदे ने लंगर खाने तो। अच्छा, रैश हैगी पनाहगाह, शिनाख्ती कार्ड हुण उन्हां दे बनवा के हेल्थ कार्ड भी बनवा लेने ने। बच्चे तंदुरुस्त ने उत्थे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल च शिनाख्ती कार्ड विखा के अद्धे पैसे डॉक्टर दे ते अद्धे साडे लिख के देने ना, ऑपरेशन होया लत दा। प्राइम मिनिस्टर साहब देखे, ऐसे लोग आपके सेहत कार्ड को किस तरह मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, ये हकदारों का हक है। साडा भी हक है, असि की तुहानू हटे कट्टे लग रहे। जब तुम्हारे बच्चे सेहतमंद हैं और उनको कुछ हुआ नहीं तो तुम आधे पैसे डॉक्टर को देकर जेब में डालो। नहीं, ताड़ा की दिमाग चो को डांग बजी। क्या मतलब? मैं क्या तेगा बच्चे तंदुरुस्त ने जाली बनवावांगे उन्हां दे सर्टिफिकेट। इत्थे कोरोना वैक्सीन वास्ते लोकी जाली सर्टिफिकेट बनाई जा रहे ने, डोज लवाई कोई नहीं। मैंने तो दो डोजें लगवा ली, अब बूस्टर की सोच रहा हूँ। अच्छा चलो, ये बताओ छोटा वाइपर तो तुमने स्क्रीन साफ करने के लिए रखा। हाँ जी, ये बड़ा वाइपर क्यों रखा है? ये भी एक लंबी दास्तान है, लेकिन चलो। नहीं, लंबी दास्तान तो नजर आ रही है। ऐ रखे स्क्रीन ते मारण वास्ते। अच्छा, जेड़ा पैसे ना दवे या लक च मारण वास्ते। क्या मतलब? वैसे इत्थे बह के लोकां नूं तुसी एजुकेट करदे हो, कोविड से बचे, सोशल डिस्टेंस रखे, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर लगाएं। पीछे पीछे। लेकिन तुसी साडे वल्लों कोई चीज फॉलो नहीं कर रहे। क्या फॉलो नहीं कर रहे? माशाल्लाह, कितने प्यारे लगे हो, केड़ा नशा करदे हो? शट अप। अच्छा चलो ठीक है, किसी दिन कट्ठे बह के करिए। बकवास बंद करो। मैं तुहानूं कश लवावां, तुसी मैनूं टीका लाओ। नहीं चलो, असल च रखे सोशल डिस्टेंस वास्ते। क्या मतलब? जेड़े लोग कहंदे ना कोविड की वजह से पीछे रहो, नजदीक ना हो, ऐ दूरों फिर वेपर मार दीदा स्क्रीन पे। हां जी, होर बंदे दे मुंह ते। ओ माय गॉड, इहदे नाल स्क्रीन साफ करी दी, इहदे नाल अक्सर मैं शेव भी बना लैंदा। क्या, कैसे? इस पासो झग। हां, इस पासो शेव। ये देखे, पहला ब्लेड करता है चन, दूसरा चुन, तीसरा चचचचे, फेशियल भी हो जाता है। 1,000 रुपया देना जे मेरी मंगनी है कल। एक सेकंड। हाँ जी। दो बीवियां 17 बच्चों के बावजूद मंगनी है? दसिया नहीं, तीसरी मैं लभ रहा एमफिल वाली। जे तुसी कहो ते घरदियां नूं भेजा। क्या बकवास है ये? उन्हां नूं नाल लेके कोई रिश्ता ही लभा दियो। शट अप। ठीक है, मेरा दिमाग खराब है? तुम जैसे आदमी की किसी लड़की से शादी करा के उसकी जिंदगी बर्बाद करूं? नहीं, दिमाग खराब वाली औरत ना मैं आप भी नहीं करना चाहता। लिसन, बिहेव योरसेल्फ। दांत कैसे तुम्हारे? हाँ जी, दांत हैं प्यारे हैं, हाले तो मैं जरा इन्हों फ्रैश करा कैपिंग कराने लगा हूँ। कैपिंग जी? नहीं पता, यू नो कैपिंग, दांत छिल के उत्ते टोपी चढ़ा देंगे। जे तुसी हुक्म करो तो ऐ दो सोने दे ना करा रहे हैं वाले। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? और लखां रुपया तो लोगों को फंसे है मेरा। क्या मतलब? वो जेड़े कह देंदे भला होवे। अच्छा अच्छा, रहन ते मैं नहीं। अच्छा वैसे फनी हो, इतनी प्यारी जोड़ी लगे, कसमें तुहाडे हाथ च है वैपर होवे, मेरे हाथ च है वैपर होवे। दिमाग है? तुसी जमीन ते खलो के ट्रकां दे शीशे साफ करो, मैं छोटियां गड्डियां दे। बकवास बंद करो अपनी। चलो ठीक, और अपनी लिमिट में रहो। लिमिट चेंज जनाब। स्टूपिड इंसान, कभी किसी पॉलिटिशियन की गाड़ी साफ की है? हाँ जी। क्या मिलता है आगे से? बददुआवां, हांवां, गालां, दूरों ही कहन लग पैंदे पापा 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 पापा, परे हो जा, थल्ले दे देंगे। असीं अपने वोटां नाल उन्हां नूं वड्डियां गड्डियां च बहाने। वोट डाला था तुमने? हाँ जी। किसे?
शनाख्ती कार्ड मेरा बन गया है ना हाँ। आ लवे फिर दसांगा। क्या मतलब तू वोट कैसे डाला तुमने? ओ जिस तरह चोरी मरे बंदे नहीं पा जाते जिंदा भी पा सकते। तुमने वोट बेचा था अपना? हाँ जी। किसे? ए पार्टी नू। कौन सी पार्टी? ओ छड़ो 1300 रुपया मिले सी। 1300 रुपए के लिए तुमने जाली वोट डाल दिया? नहीं 1300 के लिए नहीं, नाल बिरयानी भी सी, लेग पीस भी सी बेच, दो शामियां, मुंह खुल गया ना, बड़ी टेस्टी सी। बकवास बंद करो अपनी, स्टूपिड। पानी आ रहा है मुंह च, की मंगा लिए बिरयानी हुई। शट योर माउथ, तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से ये क्या है? शट योर माउथ। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से, तुम जैसे लोगों की वजह से जाली वोट डलते हैं और गलत लोग इलेक्ट हो जाते हैं। हाँ जी पता है, सही लोग भी इलेक्ट होने ते पीसना ते आवाम नहीं होता ना। पीसने जी मेरी शर्म नहीं आती, जरा से शीशा देखते हो तुम्हें खुद से घिन नहीं आती कि कैसे इंसान हो तुम? मुआशरे के सबसे नीचे सतह पे खड़े हो तुम। हाँ जी। क्या तरक्की करोगे और बच्चों को क्या मुस्तकबिल दोगे? देखो तुसी पहली गलती है, जो मैं एक्सरे वखा के मंगदा सा उतो तरक्की की, मैं वाइपर लेके हूँ मेहनती हो गया। अच्छा। इसको बाद मेरा डेजिग्नेशन फिर चेंज हो रहा है। क्या मतलब, क्या बनने वाले हो तुम? खुसरा। खाजा सिरा कहते हैं। हाँ जी हाँ जी, खुसरा बन के फिर ओदे च जरा थोड़ा टाइम काट जाएंगे। क्या मतलब, खाजा सिरा के बाद कौन सा डेजिग्नेशन मिलेगा? नहीं, खाजा सिरा दी इनिंग जरा थोड़ी लंबी होती है। क्या मतलब? ओदे च सब तो पहले खलोना पैंदा इशारे ते। अच्छा। उस तो बाद खलोना पैंदा नहर ते। उस तो बाद खलोना पैंदा लिबर्टी चौक च। उस तो बाद मौत दे खूह ते। उत्थे जाके फिर तुसी रेशम आ गई फटे ते। मैं आ हुसन दी कलेशन को डरदे ने मेथों ए आशिक लोग, सजी अख मीटा ते होण कई फैर, खब्बी अख मीटा ते मारा सारा शहर, कलेशन को तररररा कलेशन को तुरुरुरु। ऐ करांगे फिर। ख़वातीनो हज़रात, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने एक ऐसे मेहमान को बुलाया था। ये तो वही हिसाब हुआ कि खोदा पहाड़ और निकला खाजा सरा।